दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। घोसी उपचुनाव समाप्त हो गया है, वोटिंग हो गई है। बहुत बड़ा सर्वे के अनुसार दोनों पार्टियों में कौन पार्टी इस समय आगे चल रही, कौन पार्टी बढ़त बनाई है, सर्वे के अनुसार देखा जाए जिस तरह से घोसी में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरफ के कद्दावर नेता जो है कि पूरी तरह से एक एक दिन किस तरह से गली गली, गाँव गाँव, मोहल्ले मोहल्ले, नुक्कड़ सभा करते हुए नजर आए, खेतों खलिहानों में जाते नजर आए। लेकिन ये चुनाव जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कि राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जिस जो कि बेताबी के साथ और जिस धमक के साथ जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़े, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक आपको एक बात बता दें, जो राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर राय माने तो अगर ये चुनाव में सुधाकर सिंह जो बढ़त अगर जो सर्वे आ रहा है उसके अनुसार सुधाकर सिंह को बढ़त दिखाई देती हुई नजर आ रही है और जितने भी सर्वे अभी तक आ रहे हैं सब में सुधाकर सिंह जीत रहे हैं और दारा सिंह चौहान ये चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान का ये प्लान था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और समाजवादी पार्टी के विधायकी से इस्तीफा दे देते हैं और भारतीय जनता पार्टी मुझे जो कि MLC बना के और मंत्री पद से नवाजेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो कि अमित शाह जी कुछ बोले और योगी आदित्यनाथ जी बोले कि ठीक है आप घोसी चुनाव जीत के आइए और उसके बाद आपकी परीक्षा, अग्नि परीक्षा पास हो जाइए, इसके बाद आपको जो है कि मंत्री पद हम दे देंगे, आपकी औकात भी पता चल जाएगी कितने पानी में हो। लेकिन सुधाकर सिंह एक कद्दावर नेता, पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का, अगड़ों का भी वोट मार ले गए सुधाकर सिंह जो आपको बता दूं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लगातार संघर्षों से पले हुए सुधाकर सिंह ने जिस तरह से मेहनत किया और उनके मेहनत में घी का काम किए शिवपाल सिंह यादव, जो कि लगातार एकदम फाइट करते रहे। बूथ की लड़ाई हो, चाहे आपको बता दे प्रशासन से लड़ना हो, आजमगढ़ से लेकर मऊ तक डंका बजा दिए शिवपाल सिंह यादव, चाहे DM SDM से मिलना पड़ा हो, चाहे जो कि शिवपाल सिंह यादव किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। जिस तरह से चुनाव चलता रहा, चुनाव दर चुनाव लगातार शिवपाल सिंह यादव जो है कि पुलिस कार्रवाई से लेकर शासन कार्रवाई तक आवाज उठाते रहे और लगातार ये दर्शाते रहे कि अगर कुछ हुआ, अगर वोट नहीं देने दिए आप लोग तो बहुत बड़ा संघर्ष होगा, फिर मत बोलना कि जो कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। लगातार एक्टिव नजर आए और पूरी धमक के साथ नजर आए। उसका परिणाम है कि अगर ये चुनाव सुधाकर सिंह के पक्ष में ही जाता, जो सर्वे दिखा रहे हैं, तमाम ये सर्वे आ रहे हैं जिसके अनुसार सुधाकर सिंह बढ़त है, सुधाकर सिंह जीत रहे इस चुनाव को, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का अंत यहां पे हो चुका है जो सर्वे के अनुसार। लेकिन अगर इस जीत की सबसे बड़ा कोई का श्रेय जाता है तो उस नंबर एक पे शिवपाल सिंह यादव और नंबर दो पे सुधाकर सिंह खुद वहां के जो कि कैंडिडेट हैं। ये दोनों कद्दावर नेताओं ने जिस तरह से समीकरण को समेटना शुरू किया, अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में, मुसलमानों में, जिस तरह से अल्पसंख्यकों में, तमाम जातियों में जाके अपनी रणनीतियों के साथ लोगों के साथ लगाव जोड़ना और जो कि पिछले समाजवादी पार्टी में किए गए कार्यों को बताना और भारतीय जनता पार्टी में आरक्षण हो, जातिगत जनगणना हो, चाहे तमाम मुद्दे, तो वैकेंसियां निकली थी जिसमें SC ST OBC 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को जिस तरह से दरकिनार किया गया, बताते हुए नजर आए राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, शिवपाल सिंह यादव, इंद्रजीत सरोज से लेकर काजल निषाद से लेकर तमाम वो रागनी सोनकर से लेकर लग गए और इस चुनाव में दिन ब दिन जो कि समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया और सर्वे के अनुसार यहाँ पे भारी बढ़त जो है कि सुधाकर सिंह को मिल रही है। बाकी 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा, 8 सितंबर को सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन चैनल कितना सच बोला है। यहीं पर बोला हूँ, सुधाकर सिंह इस मैदान को मार लिए हैं और दारा सिंह चौहान की राजनीति का अस्त हो चुका है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।